माँ और प्रभु इतनी शीघ्र तैयार हो गए? अभी तो भैया अरुण भी उदित नहीं हुए, भोर से भी पहले इतनी सुबह कौन आ सकती है? दीपक की लौ स्वतः ही कैसे बढ़ती जा रही है, कैसी लीला है? जय माँ ललिता, जय माँ ललिता देवी। माता, हमारा व्रत सफल हो। गरुड़, वो कौन थी जिनकी आभा इतनी अधिक तेज थी कि मैं सहन नहीं कर पाया और अचेत हो गया? वो आदि शक्ति पराशक्ति श्री माता ललिता हैं गर। कितना कितना अभागी हूं मैं प्रभु, ना तो मैं आपका वाहन बन पाया, ना माँ ललिता के दर्शन कर पाया, ना ही मैं उनका आशीर्वाद ले पाया। मैं भला इतना दुर्बल कैसे हो गया माँ? करुण, वो इसलिए कि तुम्हें उनकी शक्ति का आभास नहीं है। आदि शक्ति पराशक्ति श्री माता को जानने से पहले सभी को यह अहंकार होता है कि उनके पास जो शक्ति है वो उन्हीं की है, पर अहंकार तो टूटता ही है और उसके बाद ही शक्ति को हम जान पाते हैं। जानते हो, ये भूल केवल तुमसे नहीं हुई,
प्रभु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रभु विष्णु और अहंकार जो स्वयं सृष्टि के पालन करता है, उन्हें कैसे माता की शक्ति का ज्ञान नहीं था? इस कथा के बारे में तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। प्रभु, ये कैसे? सृष्टि के आरंभ में केवल और केवल पराशक्ति ही थी, जो निर्गुण, उनका ना कोई आदि ना ही कोई अंत। उन पराशक्ति से उत्पन्न हुए महादेव और उन्हीं से उत्पन्न हुआ मैं, अर्थात विष्णु। जब मैं योग निद्रा में था तो मेरी नाभि से जन्मे ब्रह्मदेव और फिर भी कई युगों तक मेरी निद्रा भंग नहीं हुई। इसलिए ब्रह्मदेव को यह ज्ञान ही नहीं हुआ कि वो कौन है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। और कुछ समय के बाद मेरे कानों की मैल से मधु और कैटब नाम के असुरों का जन्म हुआ। वो दोनों असुर ब्रह्मदेव का भक्षण करके अपनी भूख मिटाना चाहते थे। नारायण मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ब्रह्मदेव के आह्वान से मेरी निद्रा टूटी और मैं अपनी शक्ति के अहंकार में उन दोनों असुरों से युद्ध करने लगा। क्योंकि तुम्हारी ही तरह मेरा अहंकार भी तब टूटा जब मैंने उनसे युद्ध की। क्योंकि जब पूरे प्रयास के बाद भी मैं उन्हें पराजित नहीं कर पाया, तब मुझे उस शक्ति का आभास हुआ जिसे हम सबका जन्म हुआ, जो सृष्टि के निर्माण का कारण थी, जिसके प्रताप से मधु कैटब इतने अधिक बलवान बन गए थे। और तब मैंने उन पराशक्ति की स्तुति की। उनकी स्तुति करने के बाद मुझे नवरात्रि व्रत के 9 दुर्गा पूजन का ज्ञान और उस पूजन के बाद ही मुझे उस आदि शक्ति पराशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मधु और कैटब नाम के ये दोनों असुर आपको पराजित करने के कारण अहंकार से भर गए हैं। यदि आप इनके अहंकार का प्रयोग इन्हीं को पराजित करने में करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वयं को महाशक्तिशाली समझते हो ना तुम, पर हमने तुम्हें पराजित कर दिया। मैं विष्णु आप दोनों के अंदर छिपी शक्ति से हार स्वीकार करता हूं। अब मेरी आप दोनों से ये विनती है कि आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा मुझ निर्बल को एक वरदान दें।
हमें स्वीकार है। मांगो, क्या मांगते हो? आप दोनों की पराजय। आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। हमारे वरदान का प्रयोग हमारे ही विरुद्ध कर लिया तुमने। हम अपने वरदान का मान रखेंगे। हम तुमसे पराजित होने को तैयार हैं, किंतु स्मरण रहे, हमारे देह का एक भी अंश व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मुझे स्वीकार। पराशक्ति श्री माता की सहायता से मैंने उन दोनों को पराजित किया और ब्रह्मदेव की सहायता से उनके देह से पृथ्वी बनी। इस तरह मुझे मेरे कर्तव्य का ज्ञान हुआ और ब्रह्मदेव को उनके उद्देश्य का भान हुआ। पराशक्ति श्री माता से प्रेरणा लेकर ब्रह्मदेव ने न केवल पृथ्वी की रचना की बल्कि अन्य प्राणी और वस्तुओं की भी रचना की। श्री माता के ज्ञान के बिना किसी भी प्राणी को उसके जीवन का उद्देश्य पता नहीं चल सकता। सचमुच श्री माता माँ ललिता की शक्ति अपरंपार है। जी प्रभु। प्रभु, आपसे ये पूरा वर्णन सुनकर मेरे मन में भी श्री माता के व्रत की इच्छा जागृत हो गई। क्या मैं भी ये व्रत रख सकता हूँ? अवश्य पुत्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम पूजन और व्रत दोनों कर सकते हो। वैसे भी मनुष्य रूप में किए गए व्रत का फल तो कोटि गुना अधिक होता है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद माँ। समझ गया प्रभु, मनुष्य रूप में व्रत का फल अधिक मिलता है, इसलिए प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी मनुष्य रूप में व्रत कर रहे हैं। मेरे मामा श्री की लीला है, इतनी सरलता से समझ में नहीं आएगी। इस व्रत और इस कथा के पीछे अवश्य ही कोई विशेष उद्देश्य छिपा है। देखते जाइए मूषक जी। कितना आनंद आता माता की कथा सुनने में, उनकी पूजा में सम्मिलित होने में। यदि आपका इतना अधिक मन कर रहा है जाने का, कथा सुनने का, तो आप चले क्यों नहीं जाते? हम नहीं जा रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भी नहीं जा सकते। कितना सुंदर दृश्य है ये। स्वयं प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी आरती कर रहे हैं माता शक्ति की। नमो नमो पराशक्तिमा।
माँ, ये कलश की स्थापना क्यों की जाती है? करो, कहते हैं कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। एक तरह से पराशक्ति श्री माता की पूर्णता का प्रतीक है ये। और वो मिट्टी में उगने वाली जौ प्रकृति की प्रतीक है। और इस पूजा की अवधि में ये जौ बाली के रूप में बदल जाती है। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। पधारी। श्रीमान, आपके धर्मपति नहीं? जी जी, वो तनिक व्यस्त थी। अच्छा ही हुआ श्रीमान कि आप आ गए। मेरी पत्नी नौ दुर्गा की बहुत सुंदर कथा सुनाती, मैं तो जितनी भी बार सुन लू मुझे कम ही लगता है। आई। हाँ जी। नवरात्रि में नौ दुर्गा की उपासना का विधान होता है। इस अवधि में हर दिन माँ दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा की जाती है। ये नौ दुर्गा कौन है माँ? नौ दुर्गाओं में प्रथम है माँ शैलपुत्री, दूसरी है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी है माँ चंद्रघंटा, चौथी है माँ कुष्मांडा, पांचवी है माँ स्कंद माता, छठी है माँ कात्यायनी, सातवीं माँ कालरात्रि, आठवीं माँ महागौरी और नौवीं है माँ सिद्धिदात्री। ये सभी स्त्रियों की नौ अवस्थाओं के प्रतीक हैं। पर इनका विवरण तो तुम्हें कथा सुनने के बाद ही पता चलेगा सुपर्ण। आज प्रथम दिवस है, हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। हे श्री माँ माता ललिता, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में मेरी सहायता करें माँ। हे माँ ललिता, मेरी पत्नी को भी सद्बुद्धि दीजिए माँ, ताकि वो भी आके आपकी कथा सुने और उस पर भी आपकी कृपा। प्रभु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का शास्त्री और उसके पत्नी को नवदुर्गा की कथा सुनाने के पीछे क्या मंतव्य है? देखते जाइए मूषक जी, मामा श्री अपने भक्तों के लिए कुछ भी बिना कारण नहीं करते।